तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा घणी। दोस्तों, मैं रजनी, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज है 10 जुलाई और आज के करंट अफेयर्स में लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आज सुबह मेंस आंसर राइटिंग स्पेशली नहीं डाला था, बट कम्युनिटी टैब में मैंने DMIC डाल दिया था। आप में से कितने लोगों ने पढ़ा ये तो मुझे नहीं पढ़ा पता, क्योंकि कमेंट आप लोगों ने किए नहीं है उस पर। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, DMIC राजस्थान सरकार की बहुत इंपॉर्टेंट योजना है और DMIC से प्री और मेंस दोनों में पूछने की बहुत संभावनाएं हैं। तो DMIC अच्छी तरह से पढ़ लेना, चाहे आपको जहाँ से ईजी लगे वहाँ से पढ़ लेना, पर DMIC बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। क्योंकि राजस्थान सरकार की जो बड़ी परियोजनाएं होती है ना, लाइक अपनी रिफाइनरी हो गई, उसी तरह से राजस्थान सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट बोल सकते हैं वो है DMIC। तो बहुत अच्छे से DMIC को पढ़ लेना कि कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से ख़त्म होता है, राजस्थान के कौन कौन से जिलों में गुजरता है, राजस्थान में पहला फेज में क्या बना, सेकेंड फेज में क्या बना है ना, कितने किलोमीटर का एरिया राजस्थान का कवर करता है। प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है इससे, और मेंस में तो जैसे संभावनाएं हैं, और प्री में भी इससे बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि इसमें से फैक्ट भी बहुत सारे अपन को मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आज के न्यूज़पेपर की खबरों की। तो दोस्तों, पहली खबर यूनिफॉर्म सिविल कोड की थी, ये पत्रिका में थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि अब वो टाइम आ गया है जब देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाए। तो इस खबर में हमें सब कुछ मिलेगा कि समान नागरिक संहिता क्यों लागू करने का समय आ गया है, और कहाँ संविधान में इसका अनुच्छेद दिया गया है, और होती क्या है समान नागरिक संहिता। तो मतलब थोड़ी थोड़ी सी सारी बातें इसमें लिखी हुई है, और बाकी हाँ, क्योंकि समान नागरिक संहिता जो राजस्थान सरकार ने, जो केंद्र सरकार आई है, मतलब मोदी सरकार जो है वो जो आई है, उसकी मतलब जो चुनावी घोषणाओं में से एक थी, तो उनकी चुनावी घोषणाओं में धारा 370 को ख़त्म करना था, बड़ी जो घोषणाएं थी, और तो धारा 370 ख़त्म कर दी गई है। और एक जो बड़ी घोषणा बची है वो था कि जनसंख्या नीति लागू करना है ना। तो जनसंख्या नीति लागू करने पर भी सरकार बहुत जोर शोर से कार्य कर रही है, और अब तक शायद लागू भी हो जाती अगर पिछले 2 साल से कोरोना ना आता, तो जनसंख्या की नई नीति आने वाली थी। ठीक है, और तीसरी दोस्तों समान नागरिक संहिता ही है, और सरकार जो केंद्र सरकार है हमारी, इस पे बहुत ज़्यादा जोर भी दे रही है कि समान नागरिक संहिता लागू की जाए। तो अक्सर ये मुद्दा सुर्खियों में रहता है, तो सबसे बड़ा तो इंटरव्यू वालों के लिए, क्योंकि आज फिर से इस पे कथन आ गया, तो इंटरव्यूअर को याद आ जाती है ऐसी चीज़ें जो कि हमेशा से पूछी जाती हैं। ठीक है, जब पेपर में न्यूज़ आ जाती है फिर से रिमाइंड हो जाती है उनको। दूसरा दोस्तों, हमारे पॉलिटी है, और पॉलिटी के ऐसे ही टॉपिक जो करंट से रिलेवेंट होते हैं ना, वही हमसे पूछे जाते हैं। तो 90% से भी ज़्यादा संभावना मैं बोलूँगी समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्ज़ाम में आने की है ना, और हमारे सिलेबस में है तो हमें पता होना ही चाहिए है ना। और प्री में भी समान नागरिक संहिता कौन से अनुच्छेद में है, क्या है, इस तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो 100 शब्दों वाला क्वेश्चन है, वो भी मैं मतलब आज वाला क्वेश्चन इसी पर बना दूंगी कि 100 शब्दों में समान नागरिक संहिता होती क्या है, अर्थ क्या होता है, क्यों लागू की जानी चाहिए और क्यों लागू नहीं की जा रही है, और लागू करने के बाद में क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स कवर करते हुए मैं 100 वर्ड्स का एक क्वेश्चन इस पे बना दूंगी। जो कल का आंसर राइटिंग क्वेश्चन आएगा वो इसी पे ले आऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के न्यूज़ की। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की ज़रूरत बताते हुए इसे लागू करने का यह सही वक्त बताया। उन्होंने कहा कि अब जो समान नागरिक संहिता की ज़रूरत तो हमें थी ही, लेकिन अब वो राइट टाइम आ गया है कि इसे लागू किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय समाज में धर्म, जाति, विवाह आदि की पारंपरिक बेड़ियां टूट रही हैं, मतलब पहले जितने बाउंडेशन थे वो अब बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। ये हाईकोर्ट ने कहा है कि अब धर्म, जाति, विवाह इन सब को लेकर, कि पहले ऐसे होता था हम क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन तरीके से ही विवाह करेंगे, कोई मोमडन है तो हिंदू से विवाह नहीं करेगा, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है ये सारी चीज़ें कम हो रही है। और ये सारी चीज़ें कम होने का मतलब क्या है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले मतलब ये सारी बहुत ज़्यादा थी, और अब अगर मतलब सारी चीज़ों का मिक्सचर हो रहा है, तो यही तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और इसकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। युवाओं को अलग अलग पर्सनल लॉ से उपजे विवादों के कारण शादी और तलाक के मामलों में संघर्ष का सामना ना करना पड़े, ऐसे में कानून लागू करने का यह सही समय है। देखो, होता क्या है कि जैसे कि हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हिंदू धर्म के शादी करने के, तलाक करने के अपने रीति रिवाज होते हैं। जो मुस्लिम हैं, मुस्लिमों के मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है, उनके अपने अलग रीति रिवाज होते हैं। आपको पता है मुस्लिमों में एक से ज़्यादा शादियाँ वैलिड होती हैं, पहले वहाँ पर 3 तलाक की प्रथा थी, 3 बार तलाक बोलते ही तलाक हो जाता था, हालांकि उसको अब अमान्य करार दे दिया है, लेकिन और भी बहुत सारी प्रथाएँ हैं जो हमसे
डिफरेंट है। ऐसे ही कुछ और धर्म हैं जिनके अलग अलग प्रथाएं हैं, और उनको अलग अलग प्रथाओं को हमारे देश में पहले, क्योंकि हमारा संविधान कहता था कि हम धर्म से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसलिए सब धर्मों को अपने अपने अकॉर्डिंग करने की मतलब आज़ादी दी गई थी, शादी विवाह तलाक ये सब, ठीक है। लेकिन अब क्या है दोस्तों, अब एजुकेशन बढ़ रही है। पहले क्या होता था कि आदिवासियों में आदिवासियों के तरीके बढ़ रहे थे, अब हम कहें कि मीणा वैसे तो आते हैं ST में, है ना, आदिवासी हैं, लेकिन क्या हम मीणाओं को देख के, हमारे राजस्थान में तो मीणा बहुत ज़्यादा है, मीणाओं को देख के हमें कहीं भी लगता है कि आज भी वो ट्राइबल वाली लाइफ जी रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं जी रहे हैं। और बिल्कुल जो मतलब एजुकेशन की वजह से इतना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है कि बिल्कुल जैसे नॉर्मल लोग लाइफ जीते हैं, उनसे भी बेहतर लाइफ जी रहे हैं, और बहुत ही अच्छा, मतलब अगर हम सरकारी सेवाओं में देखें या फिर समाज के लिए योगदान देखें तो बहुत ही अच्छे से काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब उनका ट्राइबल वाला मतलब जो वो मतलब एक टाइम था जब वो ट्राइबल की तरह जीते थे, वो सब खत्म हो गया। तो जो मीणाओं के लोगों की बात कर रही हूँ, मतलब लाइक एक एग्जांपल बता रही हूँ कि आजकल के जनरेशन में जब वो चीज़ें ख़त्म हो गई, हमने ट्राइबल वाली चीज़ें छोड़ दी, हमारी परंपराएं चेंज हो गई, तो क्या हमें अधिहक नहीं होना चाहिए कि हम ट्राइबल परंपराओं के बजाय जो कि हमारे कानून में लिखी गई है वैसी परंपराओं के अकॉर्डिंग जिए? हालांकि हमारे जो मतलब आज भी मतलब बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो उसी परंपरा को मानना चाहते हैं, और इसी वजह से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ भी एक सेम ऐसा ही मामला है जिसमें ये बोला गया है, मतलब ये मीणा जनजाति से रिलेटेड ही मामला है, इसी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आई है कि आजकल के जो यंग जनरेशन है वो डिमांड कर रही है कि शादी और तलाक, है ना, हम इस ये सभी धर्म सभी जाति सभी परंपराओं में एक जैसे होने चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड में दोस्तों तीन ही सबसे बड़े मैटर होते हैं, शादी और तलाक, और तीसरा होता है संपत्ति से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित, क्योंकि जो मुस्लिम लोग हैं उनमें मतलब लड़कियों को उत्तराधिकार वाला मतलब उत्तराधिकार नहीं मिलता है, संपत्ति वगैरह में शायद मतलब ये सब चीज़ें नहीं मिलती है। हिंदू में पहले लड़कियों को नहीं मिलता था, बट अब हमारे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया है और अब हमें मतलब संपत्ति में बराबर का हक मिलता है, है ना। तो तीन ही चीज़ें यूनिफॉर्म सिविल कोड में आती हैं, तो शादी मतलब मोस्टली तीन आती हैं, और तो छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, शादी विवाह है और तलाक और मतलब उत्तराधिकार वाले नियम, ये हर एक धर्म के जनजाति के अलग अलग होते थे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है इनको सेम कर दिया जाए, बिकॉज आजकल की यंग जनरेशन पढ़ लिख रहे हैं, हम एक साथ रहते हैं, तो हमारी सबकी सोच बदल रही है, सोच बदल रही है, तो हम एक जैसे तरीके जो कि संविधान में लिखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं, और यही वक्त की डिमांड है, यही सरकार ने मतलब हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे अब मतलब कि हमारे यंग जनरेशन की अब डिमांड है और यह राइट टाइम है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, ताकि हमें संघर्ष का सामना नहीं करना पड़े। अब मतलब संघर्ष कैसे कर रहे हैं वो भी इस न्यूज़ में पता चल जाएगा। ऐसे में कानून लागू करने का सही समय है। कोर्ट ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को ज़रूरी कदम उठाने का निर्देश दे दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला है कि आप जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए जो सही कदम है वो उठाएँ। यहाँ पर जस्टिस थी दोस्तों, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की पीठ राजस्थान की मीणा जनजाति की महिला और उसके हिंदू पति की तलाक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान पीठ ने कहा कि आधुनिक भारतीय समाज में धीरे धीरे जाति धर्म समुदाय का भेद मिट रहा है, और इस बदलाव के कारण देश में युवाओं को शादी तलाक और उत्तराधिकार आदि के मामलों में परेशानियों से बचाने के लिए समान नागरिक संहिता जरूरी है। तो दोस्तों मतलब कि जो ये है मतलब हिंदू में ही आते हैं आने को तो मीणा, लेकिन इसमें हिंदू पति की तलाक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, मीणा जनजाति की महिला थी, और मतलब हिंदू में ही आते हैं वैसे तो वो लोग, लेकिन ये ट्राइबल्स में आ जाते हैं, है ना, क्योंकि मतलब ट्राइबल में आते हैं ना ये लोग। तो दोस्तों महिला ऐसे कह रही थी कि मुझे जो तलाक के नियम है वो मैं ट्राइबल अकॉर्डिंग मतलब जो जनजातियों में जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग फॉलो करूंगी, और पति ये कह रहा था कि तलाक के जो नियम हैं जो संविधान में लिखे गए हैं जो उसके अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा। तो ये विभेद आ रहा था दोनों में। तब जस्टिस प्रतिभा जी ने भी यही फैसला दिया कि अब डिमांड है कि हमें मतलब आजकल के कानून और संविधान के मुताबिक इन सब चीज़ों पर फैसला देना चाहिए, न कि ट्राइबल्स के रूल के अकॉर्डिंग, है ना। तो यही इसमें कहा गया है कि अब तो वैसे भी समाज में धीरे धीरे जाति धर्म और समुदाय का भेद मिट रहा है, और अब मतलब जो पुराने ट्राइबल्स वाले नियम हैं उनको मानने में जो आजकल की यंग जनरेशन है उनको संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, दिक्कत आ रही है।
नागरिकों को विभिन्न पर्सनल लॉ में विरोधाभास के कारण संघर्ष से बचाना है। अदालत ने निर्देश दिया है कि इस आदेश की जानकारी केंद्र सरकार के विधि न्याय मंत्रालय के सचिव को दी जाए ताकि वह आवश्यक कार्यवाही करे। मौजूदा मामले में सामने आया विरोधाभास अलग अलग कानून का विरोधाभास सामने आने पर हाईकोर्ट ने यह आवश्यकता जताई है, क्योंकि मीणा जनजाति के अगर ट्राइबल वाले कानून देखे तो वो अलग है और हिंदू धर्म के उत्तराधिकार वाले कानून देखे, हमारे संविधान के कानून देखे तो वो अलग है। इस जोड़े की शादी 24 जून 2012 को हुई थी। पति ने 2 दिसंबर 2015 को परिवार अदालत में तलाक की अर्जी दायर की थी और महिला का पति हिंदू विवाह कानून के मुताबिक तलाक चाहता है, लेकिन महिला का कहना है कि वह मीणा समुदाय से ताल्लुक रखती है इसलिए वह हिंदू मैरिज एक्ट उस पर लागू नहीं होता। बस दोस्तों ऐसे ही मामले आते हैं कि जैसे कि हैं तो दोनों हिंदू ही, लेकिन ट्राइबल्स के अपने शादी और तलाक के मामले होते हैं, मतलब नियम होते हैं, तो महिला चाह रही है कि मेरा जो तलाक हो वो ट्राइबल के अकॉर्डिंग हो, जैसे ट्राइबल्स में रूल चलते हैं, और पति चाह रहा है कि मेरा जो तलाक हो वो हिंदू विवाह अधिनियम जो है उसके अकॉर्डिंग हो, है ना। तो दोनों में अब प्रॉब्लम आ गई ना कि अब किस तरह से इनका तलाक किया जाए। तो इसलिए बोला गया कि भाई ऐसे, क्योंकि अब यंग जनरेशन हमारी पढ़ी लिखी है, ऐसी प्रॉब्लम्स आगे बहुत ज़्यादा आने वाली है, तो क्यों ना हम किए विवाह है, तलाक, संपत्ति के वितरण, इन सबको सारे धर्मों में, है ना, सब जनजातियों में, सब में समान कर दिया जाए। इसी को तो सिविल मतलब कोड कहा गया है, मतलब समान नागरिक संहिता कही गई है। तो यही अब केंद्र मतलब हाईकोर्ट ने बोला है केंद्र सरकार को कि जल्दी से जल्दी इस पर गाइडलाइन बनाए और कार्य शुरू कर दे। और केंद्र सरकार का तो पहले से ये एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट था ही, मतलब चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया था सिविल नागरिक संहिता, मतलब समान नागरिक संहिता लाने की बात, तो वह तो पहले से ही काम करना चाहती है और अभी कोर्ट के फैसले भी इसी तरह से आ रहे हैं, तो इसलिए यह हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि महिला ऐसा क्यों चाहती है कि जनजाति आधार पर, दोस्तों जनजाति आधार पर अलग तरह से होते हैं, जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, छेड़ा फाड़ना हो गया, है ना, जिसमें अपन पढ़ते हैं ना, मतलब लक्ष्य में या राजस्थान की संस्कृति जब भी हम पढ़ते हैं कि अलग अलग तरह से तलाक लिया जा सकता है, अलग अलग तरह से परमिशन दी जा सकती है जनजातियों में, तो वो चाहती होगी कि वैसी तरह की कोई परमिशन दी जाए, और पति चाहता होगा कि जो मतलब हमारे संविधान में लिखा गया है, उत्तराधिकार कानूनों में जो हमारे लिखा गया है, तो मैं कानूनी प्रक्रिया अपनाना चाहता हूँ, ठीक है। बाद में फैमिली कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। तो उन्होंने बोला कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग ही कार्य किया जाएगा, और जो महिला की याचिका थी उसको खारिज कर दिया। फैसले में कहा गया कि महिला राजस्थान की अनुसूचित जनजाति से है, अच्छा महिला, क्योंकि महिला एसटी से है इसलिए उस पर हिंदू विवाह कानून लागू नहीं होता। महिला के पति ने फैमिली कोर्ट को 28 दिसंबर 2020 में मतलब 20 को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मतलब जो निचला कोर्ट है दोस्तों, उन्होंने तो महिला का पक्ष लिया था, महिला को बोला था, मतलब क्योंकि महिला शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करती है, तो उन्होंने कहा था कि इस पे जो मतलब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 है वो लागू नहीं होता, इनको फैसला शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। लेकिन महिला के पति ने इस को हाई कोर्ट में इस मतलब मामले के खिलाफ में, फैसले के खिलाफ में हाई कोर्ट में अर्जी दी थी, और हाई कोर्ट ने अब सिविल नागरिक संहिता के अकॉर्डिंग काम करने पर जोर दिया है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए पति की याचिका को स्वीकार किया, और इस तरह के मामलों के लिए ही ऐसे कानून की ज़रूरत है जो सभी के लिए समान हो। बिल्कुल दोस्तों ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो फिर ऐसे ही मामले उलझे रहेंगे। सिंपल से मतलब मामले होते हैं तलाक वलाक के, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि भाई दोनों तलाक चाह रहे हैं तो ठीक है जाके ले लो, लेकिन अब वो कब से तलाक चाह रहे हैं, 15 से, और मामला अभी तक उलझा पड़ा है। तो क्योंकि हमारी हर एक जनजाति में, हर एक धर्म में अलग अलग कानून है विवाह करने के, शादी करने के, के, तो अब जरूरत है कि एक ही कानून हो जिसके अनुसार सभी की शादी हो, तलाक हो और उत्तराधिकार मिले, ठीक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसके सामने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे पता चले कि मीणा जनजाति समुदाय के ऐसे मामलों में कोई विशेष अदालत है। तो कोर्ट ने यह भी बोला कि भाई महिला फालतू की बातें कर रही है, ऐसा कुछ भी मतलब दस्तावेज हमें नहीं मिला कि भाई मीणा जनजाति में अलग से तलाक की प्रक्रिया होती है, अलग से कोई प्रक्रिया होती है, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। मुस्लिम्स के बारे में तो चलो सुना है, लेकिन मीणाओं के बारे में कि अलग से होता है, ऐसा कोई दस्तावेज हमें मिला नहीं है। इनडायरेक्टली पति का पक्ष लिया है। तो देश में मौजूदा स्थिति देखिए, फिलहाल देश में संपत्ति, शादी, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों के लिए हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। हिंदुओं के लिए दोस्तों अपने नियम हैं, मुसलमानों के लिए अपने नियम हैं, किस चीज़ के लिए, शादी करने के लिए, तलाक करने के लिए, संपत्ति में विवरण देने के लिए और उत्तराधिकार के लिए। इसी कारण एक जैसे मामले को निपटाने
के लिए पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। अगर तलाक का कोई मामला हिंदू धर्म से आएगा तो उसके लिए अलग तरह से निर्णय देना पड़ता है, मुस्लिम से आएगा तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग निर्णय देना पड़ता है ना। तो देश में लंबे समय से समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर बहस हो रही थी, खासकर भाजपा पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाती रही है, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं और इसके सामाजिक और धार्मिक असर को लेकर इन दलों की अपनी अपनी सोच है। तो दोस्तों, क्या है समान नागरिक संहिता? संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें क्या दिया गया है? इसमें हमारे नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, राज्यों को कई मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने इस कानून की ज़रूरत पर बल देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44, हमारा जो अनुच्छेद है 36 से 51 में हमारे DPSP है और उनमें ही हमारा अनुच्छेद 44 है, उसमें उम्मीद जताई गई है कि राज्य अपने नागरिकों के समान नागरिक संहिता की सुरक्षा करेगा। इसमें कहा गया है कि समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास राज्य करेगा, मतलब संविधान हमें अधिकार देता है कि अगर राज्य को लगे कि अब वो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जब हमारे देश में सिविल मतलब समान नागरिक संहिता लागू की जाए, तो राज्य को यह अधिकार होगा। अनुच्छेद की भावना महज उम्मीद बनकर नहीं रह जाए, अनुच्छेद 44 राज्यों को सही समय पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। और दोस्तों, समान नागरिक संहिता की बात पहली बार कब आई थी? तो शाहबानो केस में पहली बार सुर्खियों में आया था। हाईकोर्ट ने समान नागरिक संहिता की जरूरत के लिए ऐतिहासिक शाहबानो मामले सहित सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया। दरअसल देश में समान नागरिक संहिता का मामला पहली बार 1985 में शाहबानो केस के बाद में सुर्खियों में आया था। तो अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहला मामला कब सुर्खियों में आया था, तो वो था शाहबानो केस 1985 में। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद में शाहबानो के पूर्व पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था, जबकि मुस्लिमों में ऐसा कुछ नहीं होता है। मुस्लिमों में जैसे पहले 3 तलाक की प्रथा थी, 3 बार तलाक बोलते ही तलाक हो जाता है, लेकिन समान नागरिक संहिता की बात करते हुए पहली बार शाहबानो को उसके पति द्वारा गुजारा भत्ता दिए जाने का आदेश सरकार ने दिया था। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, हालांकि तब राजीव गांधी सरकार ने संसद में विधेयक पास कराकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। उस टाइम राजीव गांधी सरकार नहीं चाहती थी कि समान नागरिक संहिता लागू की जाए, क्योंकि दोस्तों समाज को डेवलप होने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं है कि हम समाज को बोलेंगे एकदम से ही कि अब तुम्हारे सबके शादी ब्याह और उत्तराधिकार के नियम सेम होंगे, तो भले ही हम कानून बना दें लेकिन उस कानून को धरातलीय स्तर पर लागू करने बहुत आसान नहीं होता है। इसलिए सरकार को भी सोच समझ कर अपने उनको वोट्स भी देखना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग फैसला लेना पड़ता है। तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको नकार दिया गया था, लेकिन दोस्तों उस टाइम को बहुत बात हो गई है, हम उससे 30-40 साल आगे आ गए हैं। तो अब हमें लगता है कि अब समान नागरिक संहिता अगर लागू की जाती है तो सोसाइटी भी उसे सही तरीके से स्वीकार करेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें समान नागरिक संहिता अनुच्छेद कहाँ पे दिया गया है, क्यों लाने की बात की जा रही है, क्यों मतलब पहले कभी पहला मामला कब आया था, पहले केस का नाम क्या था, ये सारी बातें इसमें आ गई हैं। बाकी 100 शब्दों में अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर कैसे देना है, वो मैं आपको कल सुबह 6 बजे आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर। व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी पर ठंडा रुख अपना लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी ये थी, क्या व्हाट्सएप कह रहा था कि हमारे जो डेटा है, मतलब हम लोग जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो हमारे जो डेटा है वो मैं फेसबुक के साथ में शेयर करूँगा, और इस चीज़ की परमिशन व्हाट्सएप हमसे मांग रहा था और हमें कह रहा था कि आपको इतने दिन के अंदर अंदर परमिशन देनी है, और अगर आप परमिशन नहीं देते हो तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप की सेवाओं का यूज़ नहीं कर सकते, इसे बोला गया था दोस्तों व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी। तो व्हाट्सएप वैसे तो बात करता है कि मैं आपके सभी डेटा, मतलब सबसे सिक्योर जो ऐप है उसके वो व्हाट्सएप पे बात होती है। व्हाट्सएप कहता है कि आप जिसको मैसेज कर रहे हो, जो मैसेज कर रहा है, उन दोनों के अलावा खुद व्हाट्सएप के जो मतलब प्लेटफॉर्म है वो भी हमारे मैसेजेस नहीं पढ़ सकता है। लेकिन इतनी प्राइवेसी पॉलिसी पे भरोसा करके हम लोगों ने आपका ऐप अपनाया, लेकिन अब आप बात कर रहे हो कि हम खुद ही आपके डेटा दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे, फेसबुक के साथ शेयर करेंगे, तो अब कहाँ प्राइवेसी पॉलिसी आपकी चली गई। तो इस मुद्दे पर पूरे भारत में बहुत विवाद फैला और आखिरकार अब व्हाट्सएप ने थोड़ा इस पर ठंडा रुख अपना लिया है, तो वही न्यूज़ दी गई है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट को शुक्रवार को बताया कि उन्होंने नई प्राइवेसी पॉलिसी को फिलहाल स्वैच्छिक होल्ड पर रखा है। स्वैच्छिक होल्ड पर मतलब जो व्यक्ति चाहे वो इसे स्वीकार कर सकता है, उसके डेटा हम शेयर कर देंगे फेसबुक के साथ में, और जो नहीं चाहेगा, जो इस पॉलिसी को स्वीकार नहीं करेगा, उसके डेटा शेयर नहीं किए जाएंगे। यह हो गया स्वैच्छिक होल्ड। पहले क्या किया था, पहले अनिवार्य कर दिया था कि आपको इस डेट तक अपनाना ही है वरना आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो जाएगा।
व्हाट्सएप ने अदालत को बताया कि नई निजता की नीति नहीं अपनाने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए यह उपयोग के दायरे को सीमित नहीं करेगा। मतलब कि अगर जो भी पर्सन इस पॉलिसी को नहीं अपनाएगा उससे मतलब उसको कोई असर नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं है कि वह उसका उपयोग नहीं कर पाएगा, वह उपयोग करता रहेगा। साथ ही व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि जब तक डेटा संरक्षण विधेयक प्रभाव में नहीं आ जाता है तब तक वह उपयोगकर्ताओं को नई निजता नीति अपनाने के लिए बाध्य नहीं करेगा। दोस्तों भारत में नई डेटा पॉलिसी आने वाली है, तो भारत पहले भी बोल रहा था कि हमारी डेटा पॉलिसी आने के बाद में जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं तो हमारी डेटा संरक्षण जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही काम करने पड़ेगा। तो व्हाट्सएप ने मान लिया है कि ठीक है, आपकी जब तक नई डेटा पॉलिसी नहीं आती है हम इस चीज़ में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और वो आने के बाद में हम उसके अकॉर्डिंग ही रूल बनाएंगे। दरअसल हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप से पूछा था कि आपके विरुद्ध आरोप लगाया गया है कि आप डेटा एकत्र करके दूसरों को देना चाहते हैं जो आप दूसरी पार्टी की मंजूरी के बिना नहीं कर सकते हैं। मतलब व्हाट्सएप पे यही तो आरोप था कि हमारे डेटा लेके वह दूसरों के साथ शेयर करेगा, तो हमारी परमिशन के बिना अगर हमारे डेटा व्हाट्सएप शेयर करता है तो यह तो अपराध हो गया है ना। तो अदालत ने कहा कि आरोप ये भी है कि भारत के लिए आपके पास एक अलग पैमाना है, क्या भारत और यूरोप के लिए आपकी अलग अलग नीति है। मतलब दोस्तों यही पॉलिसी व्हाट्सएप यूरोप में नहीं लगा रहा है, यूरोप में अलग तरह से यह पॉलिसी अपना रहा है, लेकिन भारत को वो थोड़ा सा कमज़ोर देश समझा था, उसने तो भारत में बोला कि मैं तो ऐसा करूँगा नहीं तो व्हाट्सएप बंद कर देंगे। तो हमने भी बोला कि भाई हमारा देश है, हमारे रूल्स मानने पड़ेंगे, हमारी भी प्राइवेसी है कुछ, हम थोड़ी आपको परमिशन देंगे। और आखिरकार व्हाट्सएप को हमारी बातों के लिए झुकना पड़ा। इस पर व्हाट्सएप ने कहा कि हमने प्रतिबद्धता जताई है कि संसद से कानून आने तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, अगर संसद हमें भारत के लिए अलग नीति बनाने की इजाज़त देती है तो हम उसे भी बना देंगे। अगर संसद मतलब व्हाट्सएप ने कहा है कि संसद हमें अगर इजाज़त देती है कि आप अलग नीति बना सकते हो यूरोप और अन्य देशों से अलग हमारे लिए, तो हम बना देंगे, नहीं तो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होता है तो इस पर भी विचार करेंगे। कंपनी ने कहा है कि यदि संसद मुझे डेटा साझा करने की इजाज़त देती है तो CCI कुछ नहीं कह सकती। मतलब अगर संसद इजाज़त देती है तो कोर्ट कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम वेट करेंगे संसद की जो नई डेटा पॉलिसी है वो आने की। ठीक है, तो मतलब बात यह है कि व्हाट्सएप झुक गया है भारत की नीतियों के सामने, और ओबियसली हमारी नई डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी में तो डेटा प्रोटेक्ट करने की बात की जाएगी, ना कि डेटा को प्राइवेट से पब्लिक करने की, है ना। तो संसद ऐसी कोई परमिशन नहीं देने वाली है, तो इनडायरेक्टली जो व्हाट्सएप है उसने आखिरकार हमारी बात मान ली है और हमारे लिए अच्छी खबर है। तो दोस्तों 2 दिन पहले वीरभद्र सिंह का निधन हो गया था, तो ये पर्सनालिटी हमने कवर नहीं करी थी, तो मैंने सोचा ये कवर कर लेना चाहिए क्योंकि प्री में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कौन थे, तो आप सबको पता ही होगा, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता थे वीरभद्र सिंह, जिनका 87 साल की उम्र में निधन हो गया, और लंबी बीमारी से जूझने के पश्चात गुरुवार को 43 पर शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। पिछले 2 महीने से अस्पताल में वो भर्ती थे, उन्होंने 2 बार कोरोना को मात दे दी थी और पिछले 2 दिनों से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके पश्चात उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। हमारे लिए ज़रूरी बात है कि वह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उनका एक बड़ा कद था। तो कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके थे वो? 6 बार। वीरभद्र सिंह 9 बार विधायक रहे थे और उसके साथ ही 5 बार सांसद भी चुने गए। 6 बार CM बन चुके हैं, 9 बार MLA बन चुके हैं और 5 बार वो MP बन चुके हैं। सॉरी, उन्होंने 6 बार CM के रूप में हिमाचल प्रदेश के बागडोर भी संभाली थी। वर्तमान में सोलन जिले की अर्की से वो अभी भी विधायक थे, ऐसा नहीं है कि अभी विधायक नहीं थे। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सुपरस्टार जैसा उनका कद था और 6 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके थे। और मनमोहन सिंह की सरकार में दोस्तों वो इस्पात मंत्री भी रहे थे, है ना। वीरभद्र सिंह मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 28 मई 2009 को इस्पात मंत्री बनाए गए थे। वह पहली बार 1983 में मुख्यमंत्री बने थे और 1990 तक लगातार 2 बार, उसके बाद में 1993 से 98 तक, फिर 2003 से 7 तक, फिर 12 से 17 के बीच में राज्य के मुख्यमंत्री रहे। तो डेट हमें याद करना जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वो हिमाचल प्रदेश के कहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे। हिमाचल प्रदेश के अभी कहाँ के थे? अर्की के MLA थे, मतलब वो, है ना। और सांसद रहे थे कितनी बार ये भी ज़रूरी नहीं है, इतना भी डेटा डीप में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वो पहले 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। ठीक है, ज़्यादा ही डीप में पूछा जाए तो भले ही पूछा जा सकता है कि इतनी बार सांसद थे, वो प्री में कई बार ज़्यादा उलझाने वाला क्वेश्चन देते, बाकी इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है। ठीक है,
दोस्तों बाड़मेर सांचौर तेल क्षेत्र की आज एक बड़ी खबर आई है कि इस तेल क्षेत्र में जो तेल निकालने का काम है वो कोरोना की वजह से अटका हुआ है। बहुत मुश्किल से हमें पहले परमिशन मिली थी, अब कोरोना की वजह से 2 साल से, मतलब इन लोगों को फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए परमिशन मिलती है कि 3 साल के लिए आपको तेल निकालने की परमिशन दे दी जाती है, लेकिन 3 साल में 2 साल तो कोरोना की वजह से वैसे ही काम रुक गया है। तो अब कंपनी वगैरह डिमांड कर रही है कि उनका जो 2 साल है वो घटा के मतलब आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 2 साल में तो वो कुछ कर ही नहीं पाई। तो इसी से बातचीत है, तो हम यहाँ पर बाड़मेर सांचौर तेल क्षेत्र के भी बारे में पढ़ लेंगे, कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही है, कौन कौन से कुएं हैं। तो हमारा राजस्थान का एक जो छोटा सा टॉपिक है वो हो सकता है मतलब हो गया कवर हो जाएगा, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा पढ़ा ले लिया। राजस्थान में तेल क्षेत्र की खोज के काज को 2015 में मुश्किल से 15 के बाद मुश्किल से 2016 और 17 में इजाज़त मिली थी। 15 के बाद में दोस्तों 16 और 17 में यहाँ पे तेल की खोज के लिए इजाज़त मिली थी, लेकिन लगातार 2 साल कोरोना काल कोर्ट में खाद जैसे साबित हुआ और बाड़मेर सांचौर बेसिन के 10 नए ब्लॉक में अन्वेषण ही नहीं हो पाया, खोज ही नहीं हो पाई, क्योंकि आपको पता है कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से सारे काम रुक गए। कंपनियों ने फिक्रमंद होते हुए अन्वेषण के समय को बढ़ाने की इजाज़त मांगी है। तो दोस्तों ऑब्वियसली 2 साल तक उनका काम नहीं हुआ था, उन्होंने कहा है कि भाई हमें थोड़ी और परमिशन दी जाए, हमारे 2 साल तो ख़राब हो गए। करीब 10,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का सीधा लाभ प्रदेश की मेगा रिफाइनरी जो बाड़मेर में हमारी रिफाइनरी है, दोस्तों अगर यहाँ से तेल निकलता तो मतलब रिफाइन होने के लिए तो उसी में जाता ना, तो अगर इस प्रोजेक्ट का सीधा फ़ायदा उसको मिलना था, है ना। रेगिस्तान में तेल खोज का कार्य 2015 तक जारी था, लेकिन इसके बाद में आया आर्थिक मंदी और तेल क्षेत्र में दाम गिरने के बाद में नई खोज की इजाज़त नहीं मिली थी। और इस दौरान 2018 तक बाड़मेर सांचौर बेसिन में 38 कुएं प्रतिदिन से 1.75 लाख बैरल तेल का उत्पादन होने लगा था, जो कि मौजूदा 3,111 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र को बढ़ाकर करीब 6,600 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में अन्वेषण करने की अनुमति मांगी गई थी। दोस्तों 2015 तक तो हम भी यहाँ पे मतलब रेगिस्तान में तेल की खोज कर रहे थे, बट 2015 में ना आर्थिक मंदी आ गई और तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा गिर गई। तो अगर हमें विदेशों से इतना सस्ता तेल मिल रहा है तो हम इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके यहाँ पे अन्वेषण करवाने का कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा अन्वेषण हो रहा था, खुदाई मतलब जांच चल रही थी तेल की, वो रोक दी गई। फिर 2018 में पुनः इजाज़त मिली और 2018 में दोस्तों हम 38 से 1.75 लाख बैरल के हिसाब से प्रतिदिन तेल निकाल रहे थे और लगभग यूं मानो कि 3,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र से हम तेल निकाल रहे थे। अब इन कंपनियों ने इजाज़त मांगी कि हमें 3,000 से बढ़ाकर 6,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अन्वेषण मतलब खोज करने के परमिशन दे दी जाए। बड़ी जद्दोजहद के बाद में 2017-18 में केंद्र सरकार ने 11 और बाड़मेर जैसलमेर इलाके में 10 ब्लॉक की अनुमति दे दी। पहले 38 तेल के कुएं थे और अब इनमें से 10 और ज़्यादा ब्लॉक बढ़ा दिए गए, जब मतलब कंपनियों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की कि हमें थोड़ा सा क्षेत्र और बढ़ा दिया जाए। तो 10,000 करोड़ की योजना बनी थी, इस क्षेत्र में करीब 500 नए कुएं खोदकर यहां अन्वेषण कार्य को आगे बढ़ाना था। अभी तक कितने थे, 38 थे और ये 500 कुएं नए खोदना चाहते थे और तेज़ी से मतलब खोज और अन्वेषण करना चाहते थे। बाड़मेर धोरीमन्ना शिव चौहटन सांचौर तक विस्तार इसका था। इसके लिए करीब 40 रिग तेल अन्वेषण मशीन और मैन पावर, ये कोई इकाई होती है, लगाकर कार्य करने की दरकार थी, है ना। इसके लिए ज़रूरत कितनी थी, 40 रिग की, क्योंकि 500 कुएं हमें खोदने थे। काम शुरू हुआ और कोरोना कार्य की अनुमति मिलते ही उत्साहित कंपनियों ने 3 रिग के साथ में कार्य प्रारंभ किया, मतलब 40 रिग तक कार्य लाना था और 3 रिग के साथ में उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। और 2019-17 में 17 रिग आने की योजना बनी थी, लेकिन इसी दौरान कोविड की पहली लहर की वजह से विदेशों से आने वाले मैन और मशीन रुक गए और यह कार्य मंथर हो गया। पहली लहर से उभरे नहीं थे कि दूसरी लहर आ गई और फिर यह कार्य ठप हो गया। अब परिवहन बड़ी मुश्किल है, तेल अन्वेषण के लिए जर्मनी अमेरिका जापान और चीन और अन्यत्र से मैन और मशीन पावर की दरकार है, जो विशेषज्ञ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दोस्तों इतने ज़्यादा स्पेशलिस्ट नहीं है, इतने ज़्यादा मशीनें भी नहीं है, तो हम विदेशों से ही वो मैन पावर मंगवाते हैं, मशीन मंगवाते हैं। कोरोना की वजह से क्योंकि 2 साल में मतलब विदेशों से कुछ भी चीज़ हम मंगवा नहीं पाए, इसलिए वो सब
खत्म हो गया। इसके अलावा रिग का प्रतिदिन व्यय भी करीब 2 करोड़ रुपए है। ऐसे में पूर्ण साजो सामान नहीं आने पर यह कार्य मुश्किल हो गया, लिहाजा यह कार्य अभी भी मंथर पड़ा हुआ है। तो हमने यहाँ तो यह पढ़ा कि भाई जो कार्य करना था वो रुक गया, लेकिन हमें थोड़ा सा कि भाई मतलब बाड़मेर में कौन कौन से इलाके हैं, बाड़मेर, धोरी, मन्ना, शिव, चौहटन, है ना, इनमें हो रहा था। पहले कितने कुएँ थे, 38 थे, अब उनको बढ़ाकर 500 तक करने की, है ना, और 40 रिग तक की परमिशन चाहिए थी, जिसमें 17 रिग तक अपन आने वाले थे। 3 रिग से कार्य शुरू किया था, 17 रिग तक आने वाले थे, है ना, लेकिन वो रुक गए। कार्य रुका क्यों? क्योंकि कोरोना आ गया। कोरोना से क्या असर पड़ा? हमें मैन पावर भी चाहिए थी, मशीनें भी बाहर से चाहिए थी, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जो नहीं आ पाई थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आज ओलंपिक गेम्स में हम बात करेंगे बैडमिंटन की। ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि फिर हम जब हमारे खिलाड़ी मेडल जीतेंगे ना, तो हमें एकदम से बर्डन ना पड़े कि यार इसने ये जीत लिया, इसने ये जीत लिया, याद नहीं हो पाए, है ना। तो अभी देख लेते हैं कौन सा खिलाड़ी किस गेम से खेल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा मतलब रिमाइंड होता रहेगा, तो याद करने में भी ईजी होगा। तो आज देखते हैं बैडमिंटन से हमारे भारत से कौन कौन ने, किसने किसने ओलंपिक क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों 3 ही खिलाड़ी है बैडमिंटन से जिन्होंने ओलंपिक क्वालिफाई किया है। एक तो पीवी सिंधु जी है, सिंधु जी है, जो कि महिला एकल में भाग लेंगी, है ना, महिला एकल मतलब एक एक लड़कियां जो खेलती है, एक इधर वो उधर, तो पीवी सिंधु महिला एकल में भाग लेने वाली है। और पुरुष एकल में बी साई प्रणीत, है ना, वो पुरुष एकल में भाग लेगा। और पुरुष युगल में हमारे दो मतलब युगल में भी हमारी एक टीम क्वालिफाई हुई है, चिराग सेट्टी और सात्विक रंका रेड्डी, है ना, ये पुरुष युगल में भाग लेने वाले। तो हमारे यहाँ से 3 टीमें जा रही है, एक महिला एकल की जा रही है पीवी सिंधु, और एक पुरुष एकल की जा रही है प्रणीत, बी साई प्रणीत, और पुरुष युगल में चिराग और सात्विक जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ओलंपिक के इतिहास में बैडमिंटन में अभी तक हमें सिर्फ 2 ही पदक मिले हैं आज तक में, है ना, जिसमें एक तो साइना नेहवाल, और ये पदक दोनों ही पदक महिला शटलरों ने दिलाए थे। ठीक है, इसमें 2012 में तो साइना नेहवाल ने जीता था, और 2016 में पीवी संधू ने पदक जीता था। तो साइना जी ने तो कांस्य पदक जीता था, और 16 में जो पीवी संधू है उन्होंने रजत पदक जीता था। मतलब बैडमिंटन में आज तक हम एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए हैं। तो रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले पीवी संधू ने इस बार फिर से पदक जीतने की आस में भारत की नज़र रहेगी, क्योंकि उन्होंने फिर से क्वालिफाई किया, और हम उम्मीद करेंगे कि गोल्ड मेडल भारत को मिले। तो 3 खिलाड़ी हमारे जा रहे हैं, इससे पहले आज तक हम 2 ही पदक जीते हैं, एक तो साइना ने कांस्य जीता था, और पिछले ओलंपिक में मतलब रियो ओलंपिक में सिंधु ने रजत पदक जीता था। अब की बार हम दुआ करेंगे कि हमारे तीनों टीमों में से किसे ना किसे को गोल्ड जरूर मिले, और सबसे ज़्यादा उम्मीदें पीवी संधू से हैं कि वो इस बार हमें गोल्ड जरूर दिलाएगी। तो ये थी दोस्तों आज की खबरें, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग पता नहीं क्यों कमेंट नहीं करते, तो कमेंट कर दिया करो यार, मैं भी इतनी मेहनत करती हूँ, न्यूज़ ढूंढती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, अब आधा घंटा हो गया लगातार मैं बोले जा रही हूँ, तो थोड़ा सा एप्रिसिएशन तो बनता है ना। तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और कमेंट भी करते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।